बसमिल के जी क्लास वेलकम बैक वंस अगेन आज का लेसन किस चीज़ के बारे में है आज का लेसन जो है हमारी लिखाई की एक्टिविटी का है जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स को यानी अज़ाय जिसमानी के बारे में लिखेंगे और उनके नाम सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों को किस किस बॉडी पार्ट का नाम आ गया है उस बॉडी पार्ट से हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं वो पता चल गया है और फिर क्या उन्होंने ऐसे लोग अपने आसपास देखे हैं जिनको किसी ना किसी बॉडी पार्ट से कोई इशू है सो so, टीचर्स आज के लेसन को कंटिन्यू करने से पहले प्रीवियस लेसन में जितनी भी हमने डिस्कशन की हो सकता है बच्चों ने घर जा के भी बातचीत की हो आपने अगर उनको कहा है कि घर जा के देखें बताएँ अपने बॉडी पार्ट्स का या घर वालों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके आएँ तो वो शेयर करें आपके साथ तो जनाब अभी आपने उनको देना है इस वार्म अप का मौका मेरे पास हमेशा की तरह आपके लिए दो तीन सादे से सवालत हैं उनके अलावा अगर टीचर्स आपने कोई क्वेश्चन रेडी किए हैं दैट वुड बी वंडरफुल क्योंकि आपने बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ट भी करना है और उनको इंक्रेज भी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें तो पहला सवाल क्या है आज का हम जिसम के किस हिस्से से सूंघते हैं हम आँख से क्या काम करते हैं या लेते हैं हम पाँव से क्या काम लेते हैं हमारे पैर हमारे किस काम आते हैं आँखें किस काम आती हैं सूंघते हम कैसे हैं अगर किसी चीज को हम हमने छू के महसूस करना है तो हम कौन सा बॉडी पार्ट इस्तेमाल करते हैं तो टीचर्स इसी तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने बच्चों से पूछने हैं उनको इनक्रेज करना है डिबेट लेनी है उनसे रिस्पॉन्स लेने हैं और फिर आना है वापस ताकि आज के लेसन को कंटिन्यू करें तो शाबाश बच्चों टीचर को आपने बहुत सारे सवाल के जवाब दिए अब हम तैयार हो चुके हैं आज किताब के सफ़े पर एक्टिविटी करने के लिए तो जनाब किताब के सफ़े पे आज हमने क्या करना है ज़रा देखिए टॉपिक लिखा हुआ है अजाय जिस्मानी के नाम और उसकी मश्क है यानी आज हम उसकी एक्टिविटी या एक्सरसाइज करेंगे तो जनाब डी टीचर्स कोई भी एक्टिविटी एक्सरसाइज तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम बच्चों को उस टास्क के लिए इंडिपेंडेंट नहीं करते अगर बच्चे पर्सनल सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स में अज़ा के नाम लिखते हुए घबरा रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि उर्दू ज़ुबान जो है लिखने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा करती है इसलिए जब अस्वाद की मदद से हम सादा अल्फाज लिखवाते हैं जैसे कि नाक गाल पाँव तो बच्चों के लिए आसान होता है छोटे अल्फाज लिखना अगर अल्फाज जैसे कि आँखें गर्दन अभी उनके लिए कन्फ्यूजन करते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको उन अल्फाज पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने की लेकिन जब आप लिखवा रही हैं तो साउंड की हेल्प लीजिए अभी बच्चे मेरे साथ इस एक्टिविटी को करेंगे तो हम देखते हैं कि साउंड के साथ हम इनको कैसे मुकमल करेंगे आज का टास्क ये है कि जिसमानी अज़ा के नाम लिखिए तदरीसी मावन के ज़रिए अज़ा की पहचान करवाई जाए बच्चों को तो जनाब मेरे पास तो जो हेल्पिंग रिसोर्स हैं वो ये स्क्रीन है स्क्रीन के दि, पे दिए गए फ्लैश कार्ड्स या पिक्चर्स हैं आपके पास टीचर्स अगर कोई और मटेरियल मौजूद है कोई ऐसी डॉल या टॉय है जिसके बॉडी पार्ट्स आपके सामने हैं आप वो पॉइंट करके बच्चों से पूछ सकती हैं देर कैन बी सो मैनी वेज़ यू कैन टीच दम द नेम्स ऑफ दिस बॉडी पार्ट्स बोथ इन उर्दू एंड इन इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश में भी उन्होंने सीखे हैं तो आप ये मौका इस मौके का फ़ायदा उठाएं इंग्लिश का नाम पूछ के उर्दू में उसका नाम कन्वर्ट करवा के वो लिखाने की हमने आज प्रैक्टिस करनी है तो आज का जनाब बच्चों मेरे साथ जो एक्टिविटी करेंगे वो किताब पर लिखनी है अभी बच्चे मेरे साथ इसको इन्वॉल्व करके आप बोर्ड से एक्टिविटी देख लीजिए और उसके बाद फिर हम इसको किताब के सफ़े पे इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के तौर पे मुकम्मल करेंगे तो चलिए बच्चों बताइए ये किस चीज़ की तस्वीर आपको लग रही है ये है जी बाल की तस्वीर मैं तो इसको बाल लिखूँगी मुझे लगता है बाल आसान है टीचर अगर बच्चे चेहरा का लफ्ज भी बोल रहे हैं कि ये चेहरा है तो आप बोर्ड पर उनको लिख के दिखा सकती हैं कि ये चेहरा है लेकिन बेहतर यह कि बाल का लफ्ज लिखे जो इन्होंने खुद लिखना है यह कौन सी तस्वीर है किस चीज की आंख शाबाश यह क्या है कान वेरी गुड नाक देखिए बच्चों आपने आवाज के साथ लिखा तो कितनी आसानी से लिखा गया आगे बताइए किस चीज की तस्वीर यह क्या है दांत मुझे ये बताइए किस किस के दांत टूट रहे हैं निकल रहे हैं नए ये क्या है गर्व दन आवाज की मदद से टीचर स्वाद की मदद से हाथ शाबाश हमारे कितने हाथ हैं हमारे दो हाथ हैं शाबाश ये किसकी तस्वीर है अगर आपको पाँव लग रहा है आप पाँव लिख सकते हैं लेकिन चूंकि पाँव के साथ साथ ये टांग भी है इसलिए मैं लिखूंगी टांग टांग टीचर्स इसी तरह एक वर्कशीट दी गई काम कंप्लीट करेंगे उसको उनको आपने इंकरेज करना है अगर अल्फाज उन्होंने जो जो वो लिख सकते हैं वो लिख के लाए हैं वो ज्यादा जरूरी है आप इनको इन्फोर्स नहीं करना चलिए बच्चों किताब के सफ़े पे एक्टिविटी को कंटिन्यू करें नेक्स्ट लेसन में, में मेरा वेट करें और मैं भी आपका वेट करूंगी अपना ख्याल रखिए और आज कोशिश करें कि आज जितने भी अज़ा के नाम आप खुद से लिख रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको बयान करने भी आ जाएं टीचर्स आज हमने इनको अज़ाए जिस्मानी लिखाने की मश की है वो छोटे छोटे अज़ा उनके नाम जो ये लिख सकते हैं दैट इज़ देयर इंक्रेजमेंट एज दर इनपुट तो चलिए बच्चों एक्टिविटी बाद में आपने क्या करनी है आपने क्लास के फ्रंट पर आना है और फिर उनको बोर्ड पे लिख के दिखा सकते हैं आप फ्लैश कार्ड के आ, मदद से लिख के दिखा सकते हैं कि आपको इन बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने आ गए हैं सो प्लीज़ कंटिन्यू विद दी एक्टिविटी और अपनी सीट पे बैठ के खामोशी से अपना काम मुकम्मल कर लें अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफ़िज